अगर भाई सही होता तो बहन थोड़ी ना ऑर्केस्ट्रा में डांस कर रही होती। तो आप नहीं सोचती हैं कि, और या उनको बुरा नहीं लगता है कि मेरे रहते हुए मेरी बहन ऑर्केस्ट्रा में है, डांस करती है, लोग उसको नचनिया बोलते हैं, उसको उनको बुरा नहीं लगता है? भाई है, वो शादी करके अलग हो गए हैं, वो अपने सेपरेट रहते हैं। तो वो नहीं सोचते हैं कि माँ किस हाल में है, बहन किस हाल में, आप लोगों का हाल चाल नहीं लेते हैं? नहीं बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि धंधे वाली भी है, इस तरह के भी कमेंट आते हैं, बात सही है ना? हाँ बोलते हैं, अब लोगों का सोच नहीं बदल सकते हैं ना हम, क्योंकि छोटा कपड़ा पहनने के बाद हम नहीं बोलेंगे, हम भी पहन चुके हैं तो मतलब कहीं कहीं पार्टी वालों का डिमांड होता है या मालिक का भी डिमांड होता है छोटा कपड़ा पहने। पहले तो उन लोगों को नहीं पता था, घर वालों को नहीं पता, लेकिन हाल ही फिलहाल में जब फेमस थोड़ा वायरल हो गया वीडियो वीडियो, तब उन लोगों को पता चला है। मेरा परिवार में है सब कोई, लेकिन बोलते हैं ना बुरा वक्त में कोई नहीं देखता है, तो वैसा ही हालत है मेरा। अभी हम एक बिहार की ऑर्केस्ट्रा डांसर के पास हैं, और ऑर्केस्ट्रा डांसर का जिंदगी क्या होता है और इन लोगों का जीवन यापन कैसे होता है, ये आप लोगों को जानने को मिलेगा। और ये भी एक बहुत ही अच्छे परिवार से और अच्छे घराने से आती हैं, लेकिन ये अच्छे घराने से होते हुए भी कैसे ऑर्केस्ट्रा डांसर वाले लाइन में आ जाती है, क्या होता है इनके साथ, ये जान के आपका रूह कांप जाएगा। और ये बात हम इनसे ही पूछने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनके साथ क्या होता है कि इनको ऑर्केस्ट्रा डांसर में आना पड़ता है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। प्रिया क्या क्या नाम पड़ेगा आपका? प्रिया रॉय। रॉय नाम पड़ेगा। अच्छा, ऑर्केस्ट्रा डांस आप करती हैं, ऑर्केस्ट्रा में एक डांसर हैं आप, आखिर आप इस लाइन में कैसे आ गई, और डांसर में स्टार्टिंग से आप ऐसे ही हैं, आपके परिवार के लोग शुरू से ऐसे ही हैं, कि कैसे आप आ गई? नहीं देखिए, शुरू से तो ऐसे नहीं थे, जैसे आम लड़कियां होती है ऐसे हम भी थे, लेकिन घर के हालात के वजह से आ गए हैं। घर के हालात की वजह से? तो आपके घर में क्या हालात था, क्या वैसा हालात आ गया कि आपको इस लाइन में आना पड़ा? जैसे कि मेरे पापा लापता हो गए थे 12 साल पहले, 12 साल हो गए उनको लापता हुए। 12 साल? हाँ 12 साल हो गए हैं, हाँ। तो मेरे पापा का अभी तक तो पता नहीं चला कि है कि नहीं है, और घर चलाने वाला कोई नहीं है। भैया हैं लेकिन वो अपना सेपरेट रहते हैं, माँ को देखने वाला कोई नहीं है, अगर हम नहीं कमाएंगे तो माँ को कौन देखेगा। तो मतलब कि आपके साथ आपकी माँ रहती हैं, और आपको और आपकी माँ को मतलब छोड़ के चले गए या लापता हो गए आपके मतलब पिताजी, अब नहीं है आप लोगों के साथ, नहीं है, ये भी आपको नहीं पता है कि वो इस दुनिया में है कि नहीं है? हाँ नहीं पता है, लापता हो गए हैं। ये भी नहीं मालूम है वो है इस दुनिया में कि नहीं है। नहीं है, अच्छा, आप इस लाइन में आ जाती हैं, उसके बाद बिहार में ऑर्केस्ट्रा डांसर को किस नजर से देखा जाता है, सीधे बोला जाता है कि नचनिया है ये लोग, किस नजर से देखा जाता है आपको मालूम है? आपको क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ता है? बहुत सारे समस्या का सामना करना पड़ता है, जैसे कि इतना गलत गलत बोलते हैं, कहीं जाते हैं पैसा देते हैं कैसे, तो क्या बोलते हैं, गलत गलत बोलते हैं, अब हम बोल नहीं सकते हैं आपको, बहुत गलत गलत बोलते हैं। मतलब जब स्टेज पे आप डांस करने जाती होंगी तो पब्लिक के बीच में से बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे कि कुछ कुछ कमेंट करते होंगे, सही है? हाँ बहुत गंदे गंदे कमेंट करते जब हैं। आप इस लाइन में आई तो आपको भी पता है कि इस लाइन में क्या होता है, तो आप क्यों नहीं ये लाइन छोड़ देती हैं, चाहती नहीं कि ये लाइन छोड़ दे, कुछ दूसरा ट्राई करें, आखिर क्यों नहीं करती हैं? उतना पढ़े लिखे हम है नहीं जो दूसरा कुछ ट्राई करें, हाँ, और इस लाइन में उतना देखे हैं, पढ़ा लिखा का उतना जरूरत नहीं है, डांस और कला देखा जाता है तो इसीलिए है। इसीलिए है। आप बताइए कि इस लाइन में आप कैसे आ गई, आपके साथ क्या क्या होता है, ये बात भी आप बताई हैं, लेकिन ये बताइए कि आपके साथ जब ऐसा होता है पब्लिक में से कोई भद्दा भद्दा कमेंट करता है, जब आप इस लाइन में आ जाती हैं उसके बाद, तो आपको क्या लगता है कि ये जो करता है, बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि धंधे वाली भी है, इस तरह के भी कमेंट आते हैं, बात सही है ना? हाँ बोलते हैं, अब लोगों का सोच नहीं बदल सकते हैं ना हम, हाँ, अब क्या करें, लोगों का सोच नहीं बदल सकते हैं। ये भी बात बोलते हैं कि मतलब धंधा भी ये लोग करते हैं, हाँ धंधा करने वाली हैं, अजीबो तरह के बात बोलते होंगे, हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं सही बोल रहे हैं आप। तो उस टाइम आपको नहीं लगता कि इतना क्या हमको झेलना है, इतना हम क्या करें, कुछ और नहीं आप लोग सोचती हैं? देखिए अब कोई भी काम करने जाएंगे तो दो लोग दो बात बोलेंगे, अब सबके लिए सब काम छोड़ देंगे तो ऐसा थोड़ी ना होगा, इसीलिए अब बोलना है उनको बोलने दीजिए, जो मेरा काम है तो हम करेंगे। वो काम करेंगे हाँ किसी भी हाल में। अच्छा, और आप क्या बताएंगे अपने परिवार के बारे में, कि आपको मतलब आपका परिवार किस हाल में है और आपके परिवार में कौन कौन है? मेरा परिवार में है सब कोई, लेकिन बोलते हैं ना बुरा वक्त में कोई नहीं देखता है, तो वैसा ही हालत है मेरा। मेरा परिवार में कोई नहीं है बोलने वाले, बस मेरे माँ है और हम हैं। आपके साथ बस आप हैं और आपकी माँ है, आपके हाँ भाई भी नहीं रहते हैं? भाई है, वो शादी करके अलग हो गए हैं, वो अपना सेपरेट रहते हैं।
तो वो नहीं सोचते हैं कि माँ किस हाल में है, बहन किस हाल में, आप लोगों का हाल चाल नहीं लेते हैं? नहीं ऐसा क्यों होता है? अब पता नहीं ऐसा क्यों होता है। झगड़ा है पहले का? नहीं लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही माँ पसंद नहीं है, बहन पसंद नहीं है माँ अपनी। पसंद नहीं है, बहन पसंद नहीं है, नहीं माँ भी उनको पसंद नहीं है, नहीं और बोला जाए तो शायद वही वजह है कि आप इस लाइन में है, क्योंकि अगर वो कमाते खाते होंगे, अगर वो आप लोगों का देखते, आपके यहाँ पैसा देते, तो शायद आप इस लाइन में नहीं होती। नहीं होता। अगर भाई सही होता तो बहन थोड़े ना ऑर्केस्ट्रा में डांस कर रही होती। तो आप नहीं सोचती हैं कि, और या उनको बुरा नहीं लगता है कि मेरे रहते हुए मेरी बहन ऑर्केस्ट्रा में है, डांस करती है, लोग उसको नचनिया बोलते हैं, उसको उनको बुरा नहीं लगता है? नहीं पहले तो उन लोगों को नहीं पता था, घर वालों को नहीं पता, लेकिन हाल ही फिलहाल में जब फेमस थोड़ा वायरल हो गया वीडियो वीडियो, तब उन लोगों को पता चला है। तब उन लोगों को पता, तो हाँ पता चलने के बाद कुछ नहीं बोले, कॉल वॉल नहीं किया आपके पास? नहीं कुछ नहीं किए, हाल ही फिलहाल में घर गए थे, जैसे नॉर्मली रहते हैं ऐसे रहे हैं, फिर आ गए हैं यहाँ पे, ऐसे कुछ भी नहीं बोले हैं, जैसे छोड़ दे काम हम लोग देखेंगे बा, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं बोले हैं। अच्छा, ऑर्केस्ट्रा डांसर में ही और डांस करके ही तमाम कई तरह की लड़कियां जो अच्छा डांस करती हैं वो वायरल हो रही हैं, और तमाम तरह की लड़कियां हैं, तो क्या आप भी चाहती हैं कि उनकी तरह आप भी वायरल हो? हाँ हम भी चाहते हैं अपना डांस का माध्यम से वायरल होने हैं, जैसे पब्लिक हमको भी पसंद करें और कर भी रहे हैं। तो क्या वो लोग छोटे कपड़ा पहनती हैं, अलग अलग जगह पर टैटू बनवाती हैं, क्या उस तरीके से आप वायरल होना चाहती हैं? नहीं देखिए छोटा कपड़ा पहनने के बाद हम नहीं बोलेंगे, हम भी पहन चुके हैं, तो मतलब कहीं कहीं पार्टी वालों का डिमांड होता है या मालिक का भी डिमांड होता है छोटा कपड़ा पहने, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। लेकिन हमको अभी जब से हम अपना काम कर रहे हैं तब से छोटा कपड़ा नहीं पहने हैं, लहंगा पे कर रहे तो हैं। जब से आपका मन चल रहा है तो अब नहीं चाहती हैं कि छोटा कपड़ा पहन के हम डांस करें या वायरल हों? नहीं जैसे लहंगा पे इज्जत मिलता है, छोटा कपड़ा पे इज्जत नहीं लेकिन मिलता। वायरल शायद लोग देखना ज्यादा पसंद करते हैं, तभी जब एकदम छोटा छोटा कपड़ा पहना जाता है, आदमी का मानसिकता बन गया है लोगों का, जब तक वो आपका जिस्म नहीं देखेंगे तब तक उनका मनोरंजन नहीं होगा, तब तक आप वायरल नहीं होंगे। तो आपको क्या लगता है कि आप वायरल हो जाएंगे लहंगा पहन के? हाँ लोग अगर मेरा डांस पसंद करेंगे तो जरूर होंगे, अगर दूसरा कुछ पसंद करते होंगे तो नहीं होंगे, दूसरा कुछ पसंद करते होंगे तो नहीं नहीं होंगे। होंगे। देखिए, ये हमारे साथ प्रिया जी थी, और ये भोजपुरी की ऑर्केस्ट्रा डांसर हैं, जिनको क्या बोला जाता है बिहार में या भोजपुरी में आप सब लोग जानते हैं, पर ये लोगों का गलत मानसिकता है, और ये चाहती हैं कि हम लहंगा ही पहन के और अच्छे से अपने डांस के बल पे, ना कि अपने जिस्म का नुमाइश करवा के ऐसे वायरल ना हो, अपने डांस के बल पे वायरल हो और वायरल होकर अपना भोजपुरी इंडस्ट्री में एक नाम बनाए। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।